college, the teacher had accepted his application. पहले अपन application लेके उसी को पुत्र को बीमार है ना, ठीक है जी, पता क्या लगा जी, पहली उम्र में खुद ही पहुंच गया पे चली हां नहीं, जल्दी भाई जल्दी 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 बस फिनिश थैंक यू. Before my father returned home, before my father returned home, इससे पहले कि मेरे अबू घर वापस आते, घर लौटते, मेरे अबू के घर लौटने से पहले, my mother had cooked food. Yes, sir. मेरी अम्मी ने खाना पका लिया था. और she had prepared a sweet dish. उन्हें एक sweet dish भी है ना वो तैयार कर ली थी. जी. Before Mr. Abdullah reached my home, okay, my mother had already waiting for him. और नहीं ये क्या वो तो ये होगा. My mother was waiting for him. Before the my mother was waiting. ये अम्मी ने कर दिया ये. उन्हें बहुत इंतजार कर चुकी थी. Had waited for him a lot. Had waited for him a lot. Too much. So much. जी. बोलो भाई बस बोलो 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 जल्दी करो. वो जी बिफोर द शाहिद अफरीदी बिफोर शाहिद अफरीदी रीड द ग्राउंड अहमद शहजाद हैड गॉन आउट और नो वो क्या जी वो आउट हो चुके थे. हैड गॉन आउट जी. व्हेन मिस्टर ओएस हैड गॉट आउट गेट आउट गॉट आउट जी. व्हेन मिस्टर ओएस यू नो एंटर्ड इन द स्टेडियम फिर इन क्यों आ गए एंटर्ड द स्टेडियम ओके द मैच हैड स्टार्टेड मैच शुरू हो मैच हैड स्टार्टेड पाकिस्तानी फील्डर्स हैड ड्रॉप्ड मेनी कैचेस. क्लियर. इरफान हैड गॉट इंजर्ड and then get injured got injured no had left the ground. Clear. Yeah, we all in the opponent team now had scored too many runs and then ji Mr. Ali okay Mr. Ali chalo ab yo kare ji ek minute main isse kar before I called, met, phoned, saw. आपने किसी दोस्त को फोन किया आपके फोन करने से पहले. जी दोस्त क्या कर चुके थे. ठीक है उसने कुछ बताया हुआ किसी और के बारे में. ठीक है जी सोची जरा. When I called my friend, my brother, to inform my exam. Very good. My other brother had already exam. Very good, Isambe. बिल्कुल clear है बच्चे का sir. Before I called my brother about to inform him about my exams. इससे पहले कि मैं अपने भाई को call करता कि अपने exams के बारे में बताऊं. My cousin had already informed him. मेरे कजन पहले उन्हें बता चुके थे. Yes sir. Very good. जी. When Mr. Muniz entered the ground. Entered the ground. जी. Mr. Muniz had already. Met sir. Sir. Don't listen. Met. Phone. Saw. जी. When I saw Mr. Muniz. Okay. उसने गुस्ल कर लिया था. He had brushed teeth, उसने अपने दांत साफ कर ली थी. He had combed his hair, बाल वो गली कर ली थी. He had changed his dress, उसने अपने कपड़े बदल लिए थे. He had no polish issues, अपने जूते पॉलिश कर लिए थे. उसने हो सकता है ना. He had got his hair cut. No. अपने हेयर को वो हेयर कट करवा लिए थे. जी. When I called to Mr. Ali, two beta. When I called
मिस्टर अली, मिस्टर अली जब आपने मिस्टर अली को फोन किया, कॉल किया, वेरी गुड, तो आपको पता चला कि उसने अपना काम कर लिया है, वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था. ही हैड रिटर्न्ड फ्रॉम द एकेडमी, वो एकेडमी से वापस आ चुका था. ही हैड लेफ्ट नाउ द टर्मिनल, द टैक्सी टर्मिनल, टैक्सी स्टैंड, वो टैक्सी स्टैंड छोड़ चुके थे. ही हैड बोर्डेड द टैक्सी, वो टैक्सी में बैठ चुके थे. हो सकता है ना? नहीं जी. व्हेन आई सॉ द वेदर, हाँ जब आपने किसी भिखारी को देखा जी. He had a bagged. He had collected lot of money. उसने बहुत से पैसे इकट्ठे कर लिए थे. ठीक है ना जी. He had dodged many people. उसने बहुत से लोगों को धोखा, वो बहुत से लोगों को धोखा दे चुका था. क्लियर. He had visited lot of area. तो बहुत से एरियाज का चक्कर लगा चुका था. हो सकता है ना जी. जी. He had begged lot of money. उसने बहुत सारी रकम का वो क्या कहेंगे वो बैग कर ली थी. जी. बाबा ने लिए थे इसके. बाबा ने He had worn the new clothes. Clear? हाँ जी. को एक जुमला बड़ा ही खत्म करते फिर. Called, met, phone, saw. जी. Open. Before. When? When? Before. That's over to you. जी. When I called my cousin. जब आपने अपने कजन को फोन किया. He had already done his own. Very good. No. When I call, see. हाँ. चलो ठीक है. When you already जब कहते हो तो फिर कंफ्यूजन होता है. Already ये पर देखा ना आपके इसके जुमले क्या होते हैं ये शान के. फिर वो क्लियर होते हैं ना. Yes sir. Already you ने लगाना सारे. देखिए कि पूरी याद पूरी सिचुएशन वो क्रिएट करे, वो सारी बनाए, डिस्क्राइब करे. इस तरह बंद दिन आई कॉल माय ब्रदर. ओके. इनफॉर्म टीपी में जी. He had हाँ. Very. इनफॉर्म टेक्स्ट में से. He had already हाँ जो भी हो सकते हैं. He had already known about it. वो पहले इसके बारे में जान चुके थे. He had already known. वो पहले जान चुके थे about it. He had already started watching. उसने पहले देखना शुरू कर दिया था वो मैच. He had already switched on the TV. हाँ नहीं. जुमला बनाओ भाई, ये जल्दी करो. अली, सरफराज, उबैद. मैं मैच दे सकता हूँ बताया. When I met with my friends. With my friends. When you met your friend. He had. Ji. He had eaten food. He had taken a cup of tea. हो सकता है ना. He had purchased a new mobile. उसने नया मोबाइल, वो नया मोबाइल खरीद चुका था. He had purchased the new shoes. हो सकता है. He had purchased or he had bought the new book. सारी बातें हो सकती हैं. He had replaced his laptop, his mobile. He had played cricket. He had come back from the stadium, from the ground. वो ग्राउंड से वापस आ चुका था. मैं था क्या कि मिल के बसा नहीं. कुछ चल चीजों सभी और मैं तो क्रिकेट का पैदा आ गया. हो सकता है ना जी. तो सीधा तो सुनो. When I called to Mr. Sarfaraz, when I called Mr. Sarfaraz, okay. He had. वो कपड़े भी चेंज कर रहे हैं मेरे पास. पहले He had come to the college. Very good. जब आपने उसे कॉल की कि यार मिलके जा काले जाते हैं. When you called Mr. Sarfaraz, no. To accompany him, ताकि आप उसके साथ चले कि college. To accompany him to the college. Yes. But you came to know that he had already reached the college. He had already reached the college. तो पहले college में मैं यार मैं फोन किया. यार 10 मिनट पहले आ गया. नंबर पहले आ जी. When I called my friend, when he had entered the ground. When I called my friend, he had entered. जब मैंने दोस्त को फोन किया वो ग्राउंड में दाखिल हो चुका था. चल कल मेहरबानी करे सर, जो फॉर्मेट लिख लिया आपने बस वैसे लिखा हुआ उस पर बुकलेट में. सिर्फ ये देखना है कि आप कहाँ पहुंचे. जब पहुंचे तो आपने किसे देखा, जिसे देखा पहले हमने किया था वो कर क्या रहा. ये पुरानी बात है. उसने कर क्या लिया था.
या आपके जाने से पहले, आपके पहुंचने से पहले, आपके मिलने से पहले, आपके देखने से पहले, आपके दाखिल होने से पहले, आपके बाहर जाने से पहले, ठीक है ना, उसने क्या कर लिया था? हो सकता है ना जी, तो वो कितने काम है, एक बंदा जो काम कर रहा है तो उससे पहले, अगर आदमी कुकिंग कर रहा है तो क्या मतलब है, अब उस कुकिंग से रिलेटेड जितनी चीजें पहली है सारी निकाल ली होंगी, हाथ धो लिए होंगे जी, है ना जी, चेंज कर लिए होंगे जी, और मिसालें सामने रख ली होंगी, रेसिपी जो है उसे कंसल्ट कर लिया होगा जी, सार बिल्कुल ऐसे बुजुर्ग ये भी हो सकता है, अगर बच्चे नेक घराने हैं तो ये नहीं करते, वो कहता है वुजू करके ये वो शुरू करते हैं सारे काम। थैंक यू वेरी मच, hopefully you know that you will revise the lesson at home and let it be known to your friend Mr. Bajar, no, and Mr. Hassan and Sayyid as well. Practice it and practice it. Come with proper preparation. We will be meeting on Tuesday. Tomorrow we have holiday. Yes, so sir. Tomorrow is holiday. Yes. Yes. And then there's a Sunday and Monday again it's off. Yes, yes, sir. So we will be meeting on Tuesday. Before that, I request my son's nose to please practice all the formats which we have done so far. Format number 1 to format number 11. Format number 1 to format number 11. Now practice. Format 1, I am V1. I play, I read, I play, I play, I play, I sleep. I sleep. Yes, sir. Dusra, I will do what? I will sleep, I will leave, I will eat, I will drink, I will drink, I will go, I will go. Yes, sir. तीसरा फॉर्मेट क्या था जी, कि आपने किया क्या जी, आप कहते हैं जी आई गॉट अप, मैं उठा, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठा, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आई सा आई मेड, वेरी गुड, बस मैंने जी आई एट, आई टुक ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया, वेरी गुड, अब वेरी गुड, आई वांटेड, आई वांट, आई रेस्ट, आई वी, ये तो था फॉर्मेट नंबर 3। फॉर्मेट 4 और 7 इकट्ठा करना है, 47। यस सर। सोचना है कि अब अभी मसला ये बैग जैसा अरेंज कर रहे हो, तो आप कह सकते हो आई एम अरेंजिंग बैग। फिर अगला सवाल, कितनी देर से, कब से, आई एम अरेंजिंग बैग, आई हैव बीन अरेंजिंग बैग फॉर 5 सेकंड्स, फॉर 13 सेकंड, फॉर 20 सेकंड्स, आई हैव बीन अरेंजिंग द बैग सिंस व्हेन, सिंस द पीरियड वाज ओवर, सिंस मिस्टर रफी फिनिश्ड हिज लेक्चर, सिंस नो द बेल रैंग, घंटी बजी रही तो मैं बैग संभालना शुरू की करी ठक, ये फिर आपने करना है 58। वो वाली बात, ये वाली, when I reached my home yesterday, my mother was cooking food. For how long? She had been cooking food. She had been cooking food. Yaad hai? Yes, sir. She had been cooking food for 10 minutes, for 30 minutes, for 1 hour. Since when? Since no? Morning. Since, very good. Since she? Since? Since morning ho sakta hai ji. Since 1 p.m. Since 2 p.m. Sorry. Yes, sir. Since no, my father returned no home. Since my father came back from the office. Abu, baba sahi na, na bhai karmali pakar ho gaya. Studied pre-board exam paper from I know that we will do it. Ab agla format kya hai, format 6 ke aap kar kya rahoge, imagine kare is waqt ghar kaun hoga, kya karoga, my father will be watching tv for how long, he will have been watching tv for 10 minutes, since when, he will have been watching tv since no, since the light comes, comes be one. फिर हमने किया था जी कि I want to buy a new book and I have bought it. Yes, सुबह से अब तक आपने क्या कर लिया है? आप कह सकते हैं जी कि I have studied different books, I have enjoyed the break, I have attended no 4 or 5 classes. हो सकता है ना जी, I have learned no format number 11. ये काम कर लिए। फिर ये था जी कि आपने कहना है कि जब आप ने किसी को देखा, जब आप किसी जगह पे पहुंचे तो वहां कौन था और उसने क्या कर लिया, जब किसी ने जब आपको देखा, yesterday when my mother saw me, कल जब मेरी अम्मी ने मुझे देखा तो मैं क्या कर, एक तो मैं क्या कर रहा था कि पुरानी बात, आज की बात, मैंने क्या कर लिया था, when my mother saw me, I had called, very good, you can say, I have called my friend, I have sent no messages to my friend, clear, I have finished my lesson, I have read the book. Thank you very much. See you tomorrow. See you on Tuesday. See you on Tuesday, inshallah. Tomorrow working days. Oh, 49 minutes and 48 seconds.
Let me have to take a white.